what is it exactly that makes mythology so universal as well as applicable in the modern day? You see, the root of mythology is the human human brain. While most animals can experience this reality, the current reality, higher animals can also recollect memories. But humans are the only creatures who can imagine a world. We can imagine something which doesn't exist. We can imagine a world where there is a lot of suffering, where there is no food, where there is a lot of threats. We can imagine the worst scenario. In other words, we can imagine hell. We can also imagine a world where there's so much food, security, and therefore love and heaven. So we live in a world where we live between these two extremes. No fear and only fear. No hunger and only hunger. And therefore we keep asking ourselves, what is the purpose of life? What is the meaning of life? So every living human being for thousands of years, ever since humans evolved and our brain emerged and we started imagining, we started asking, what is the meaning of life? Hamare zindagi ka arth kya hai? Kyunki hamare paas kalpana shakti hai. हमारी कल्पना में हम स्वर्ग देख सकते हैं, नरक देख सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे भय और भूख ही है, या एक दुनिया जहाँ पे भय नहीं है, भूख नहीं है, केवल प्रेम है, प्यार है, जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं ना, ये ऑल हैप्पीनेस के बारे में, लव एंड पीस के बारे में. तो हम ये दोनों कल्पना कर सकते हैं. तो हम बोलते हैं कि अरे जिंदगी का मकसद क्या है, दुनिया का अर्थ क्या है. ये जब प्रश्न मनुष्य ने पूछा, तब मिथोलॉजी की शुरुआत हुई. ये शुरुआत होती है मिथोलॉजी यहाँ से, क्योंकि फिर हमने कल्पना की कि दुनिया का क्या पर्पस क्या होगा, मकसद क्या होगा. जिसे हम कहते हैं स्टोन एज कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं, उस समय मनुष्य के आप देखोगे कि वो पहले बार ह्यूमंस बेरी करते थे अपने डेड को. जब कोई मरता था तो उसको कैसे हम बेरी करते थे, मतलब उनको एक विचार आया हो कि मरने के बाद क्या होने वाला है. पशु कभी ऐसे नहीं सोचता मरने के बाद क्या होने वाला है, आफ्टर लाइफ का मतलब क्या है, पुनर्जन्म का मतलब क्या है. इसलिए उसका फ्यूनरल रिचुअल्स ही नहीं होता, मतलब उसके अनुष्ठान नहीं होते, रिचुअल्स नहीं होते. तो रिचुअल्स आने लगे, तो हम ये जब विचार आता है तभी हम कहानी बनाने लगते हैं कि मरने के बाद ये होने वाला है, मरने के बाद वो होने वाला है, और उसके लिए हम चिन्ह बनाते हैं, तो प्रतीक बनाते हैं. तो कथा आ गई, प्रतीक आ गए, और उसके बाद हम के अन्य अलग प्रकार के अनुष्ठान करने लगे, फ्यूनरल रिचुअल्स करते हैं ताकि हम मरने के बाद सुखी रहें. तो ये सब मिथोलॉजी की शुरुआत हो गई. दिस इज हाउ मिथोलॉजी बिगैन.